अरे बीच में नहीं आइए भाई, बीच में नहीं आइए। चल 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 यार। अरे भाई और कितना पीछे जाए, जा रहे ना। इसमें कैमरा पीछे था। बेटी निशा के साथ एयरपोर्ट पर ठहाके लगाते दिखे अजय देवगन। लोग बोले एक ही फ्रेम में दो दो अजय। बॉलीवुड के धाड़क एक्टर अजय देवगन इन दिनों कई बार स्पॉट किए गए हैं। अजय को फैंस का भरमार प्यार मिला है। हाल ही में अजय देवगन को उनकी बेटी निशा देवगन के साथ देखा गया। क्लिप में पिता और बेटी की जोड़ी को मुस्कुराते हुए और अपनी कार की ओर चलते हुए एक बातचीत शेयर करते हुए देखा गया। जब एक पपराजी ने कहा कि उन्हें उनकी फिल्म भोला का टीजर पसंद आया तो अजय ने हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिया। शेयर किए गए क्लिप में अजय देवगन ने काले रंग की शर्ट, डेनिम और काले जूते पहने हैं। उन्होंने डार्क सनग्लास भी लगाए हैं। निशा ने पिंक कलर की फुल स्लीव वाली टी शर्ट, डेनिम्स और स्किनर्स पहने थे। अजय देवगन को उनकी बेटी निशा देवगन के साथ देखा गया। दोनों मुंबई पहुंचे थे। मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक पपराजी अकाउंट के शेयर किए गए एक वीडियो में अजय और निशा देवगन मुंबई हवाई अड्डे से बाहर निकले। निशा अजय और उनकी पत्नी काजल की बेटी है। अजय और काजल ने कई सालों तक डेट करने के बाद 1999 में शादी की। उनका एक बेटा युग देवगन भी है। निशा का जन्म 20 अप्रैल 2003 को हुआ था, जबकि कपल ने 7 साल बाद युग का स्वागत किया। निशा ने हाल ही में सिंगापुर के ग्लियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की है। अपनी बेटी के करियर में बात करते हुए अजय ने एक बार फिल्म साथी से कहा था, मुझे नहीं पता कि वो इस लाइन में आना चाहती है या नहीं, अभी तक उसने ना ही कहा है। बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। वो विदेश में है, वो अभी पढ़ाई कर रही है। खैर, अजय को उनकी आने वाली फिल्म भोला में देखेंगे। फिल्म 2019 की तमिल हिट कहती की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। फिल्म में तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, विनीत कुमार और गजराज राव भी है। यह फिल्म 30 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे वन मैन आर्मी की कहानी के रूप में स्टाइल किया गया है, जो एक रात में कई रूपों, मानव और दुश्मनों की भीड़ से लड़ती है। फिल्म एक पूर्व अपराधी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बेटी से मिलने का फैसला करता है। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार लेकिन पुलिस और ड्रग माफिया के बीच आमने सामने हो जाता है। इसके अलावा अजय के पास निर्माता बोनी कपूर की मैदान और निर्देशक नीरज पांडे की अगली अनटाइटल फिल्म और निर्देशक रोहित शेट्टी की सिंगम अगेन में दीपिका पादुकोण के साथ है। इसमें कैमरा पीछे था।